अगर दिमाग ने जिद कर लिया ना कि जो जिद करेगा वही किस्मत पे डिपेंड नहीं है, किस पे डिपेंड है, मेहनत पे डिपेंड है। अगर आप करोगे ढंग से मेहनत। खाना किस लिए खाते हैं? तो मैं बताया, मैं खाना इसलिए खाता हूँ कि मैं मोटा होना चाहता हूँ। लेकिन उसका आंसर ये नहीं, सोच समझ से हो रहा है, सोचने की पावर कितनी है, क्या सोचते तो क्या हो। हेलो गाइस, मैं महेश कुमार, और जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अभी सो रहा हूँ। मैं अभी अपने बिहार में हूँ, गांव में, जहाँ जिला भोजपुर पड़ता है, आरा जिला में, और मैं बड़ा टोला गांव में हूँ। जानना चाहता हूँ ना कि जो प्रकृति में जो भी काम हो रहा है वो मतलब किस प्रकार से हो रहा है, किस सोच समझ से हो रहा है, सोचने की पावर कितनी है, क्या सोचते तो क्या होता है। ये सब जितने भी है प्रकृति की में, वो पूरी किस पर डिपेंड है? सोच पर। जब ये सिस्टम अगर सोच कॉन्फिडेंस लाएगा तो हर काम पूरा फिक्स जरूरी है, पूरा पक्का होना होगा तो होगा। अगर दिमाग ने जिद धर लिया ना कि जो जिद करेगा वही हकीकत पाएगा। हाँ, एक बात मैंने भी सीखा है कि मतलब ज़िंदगी में ना कभी हार मत मानो। अब किसी की नौकरी लग जाती है, किसी की नहीं लगती है, वो भविष्य पे डिपेंड नहीं है, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड है। लेकिन लोग वह क्या बताते हैं कि आपकी मेहनत भविष्य में डिपेंड है, किस्मत पे बोलते हैं इस प्रकार से। जैसे कुल मिला के कहने का मतलब है कि ये सब किस्मत पे डिपेंड नहीं है, ये किस पे डिपेंड है? मेहनत पे डिपेंड है। अगर आप करोगे ढंग से मेहनत तो पाओगे। जैसा कि मैंने किसी से सुना, किसी से देखा, हकीकत भी है, मैंने सोच के भी देखा कि मतलब कुछ दिनों पहले जब मैं इंटर में पढ़ रहा था तो मतलब मेरे क्लासमेट ही थे, टॉपर थे, लोअर थे, बहुत प्रकार के बच्चे थे। तो जो टॉपर है वो मतलब इस माइंड की सोच पर चल रहा था, इस माइंड की सोच पर मतलब जो वो सोचता ना वो पक्का करके दिखाता। तो एक बात आई कि मतलब ऐसे ही टॉपर आया, टॉपर से कोई मिलाया मेरे को, मैंने दोस्ती कराया, कोई मेरा पहले दोस्त था, उस टॉपर का दोस्त था, वो मेरे को दोस्त से मिलवाया। मैंने पूछा भाई मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, उस फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो मेरे को बताया भाई इस फील्ड में जाना जाएगा पहले सोचना पड़ता है, टेंथ से ही तैयारी करनी पड़ती है, नहीं हो पाया ठीक है, और ऑप्शन बताया मेरे को। जब वो भी नहीं हो पाया, गवर्नमेंट पूरा नहीं हो पाया, तो मेरे को स्पोर्ट्स बताया उसने, मतलब कि उससे जब क्वेश्चन पूछा गया उसने रास्ता निकाल दिया, ये बात पक्की है। कोई बंदे ऐसे होते हैं अरे यार मुझे क्या पता है, दूसरे से पूछ लिया, लेकिन ऐसा वो नहीं था, वो पक्का बता ही दिया। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि हम ऐसे ही उस दोस्त ने मतलब कि ऐसे क्वेश्चन पूछा, तो उसने बताया कि मतलब मेरे से बहुत पहले पतला था, बहुत जैसे हड्डी जैसा था, अब तो ऐसे स्लिम हो चुका हूँ, थोड़ा फिटनेस से फिट हुए। उसने बताया कि पहले मैं क्या है रोड रोटी खाना खाता था, डाइट लेता था, ऐसे ऐसे करता था, शरीर को मास वास नहीं करता था, मैंने अपने शरीर की कमजोरी ढूंढना स्टार्ट किया। अब कब जब उससे बातचीत नहीं किया मैंने, तब तो उसने बताया कि सब माइंड के ऊपर है, सब माइंड के ऊपर। उसने बताया, मैंने अपनी कमजोरी बताई, भाई मैं मोटा नहीं करता हूँ, खाना नहीं खाना खाता हूँ, घर में पूरा वजन नहीं होता। उसने बताया, उसने मेरे से पूछा पहले क्वेश्चन कि हम खाना किस लिए खाते हैं, तो मैं बताया मैं खाना इसलिए खाता हूँ कि मैं मोटा होना चाहता हूँ। लेकिन उसका आंसर ये नहीं था, उसका आंसर ये था कि जब मैंने पूछा कि भाई उसका आंसर क्या है, उसने बताया उसका आंसर ये है कि मैं खाना खाता हूँ झीले के लिए, क्योंकि मेरा जो माइंड है ना माइंड इतना अच्छा फील हो रहा है, उनका दूसरे में जब मैं खाना खाता हूँ जैसे कि बताया कि सब कुछ माइंड पे ही होता है। तो इस प्रकार से ही मेरा जो शरीर है वो ग्लो हुआ, इंक्रीज हुआ ऐसे ही। अब जिस प्रकार से मैं सोचता हूँ मेरा माइंड भी उस प्रकार से सोचता है, एकदम मतलब कि नेगेटिव सोच तो मेरे आती नहीं है माइंड में, हमेशा पॉजिटिव थॉट रहती है। और देखते हैं आगे किस प्रकार से सोचेंगे तो किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। अब मैं कहना चाहूँगा कि आप भी हमेशा पॉजिटिव सोच रखें, और जब भी पॉजिटिव सोच रखेंगे ना तो पक्का 100%